बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप सबको। मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद के मौके पे ज़बरदस्ती रेसिपी यानी कि शाही सवैयों की रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने मज़े की वीडियो। एक पैन ले लिया है और उसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून घी। और सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को इसमें भून लेंगे अच्छा सा। बादाम ले लिया है चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून। पिस्ता ऐड कर रही हूँ चॉप किया हुआ 1/2 टेबल स्पून। काजू चॉप करके ले लिया है 2 टेबल स्पून। और ऐड कर रही हूँ मैं इसमें 4 मगज़ 1/2 टेबल स्पून। किशमिश ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। ये सारी चीज़ें आपकी मर्ज़ी है और ऑप्शनल है। अगर आपके पास जो भी चीज़ें मौजूद हो घर में आसानी से तो आप वही इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब इन ड्राई फ्रूट्स को हमें सिर्फ और सिर्फ हल्की आँच पर 2 से 3 मिनट फ्राई करना है और फिर उसके बाद इसको एक साइड पर रख लेंगे। और फिर ऐड कर रही हूँ इसमें मैं घी 1/3 कप और सवई ले ली है मैंने 1.5 कप। और इसको हाथों से ही तोड़ लिया है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं तोड़ना है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रश नहीं करना है, बारीक नहीं करना है। तो ये सवैयाँ भुनी हुई तो होती ही हैं, लेकिन इसको घी में भून लेने से इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सी हो जाती है। तो इसलिए थोड़ी देर बस इसको भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। तो चम्मच को इस तरह से चलाते जाएंगे और आप देखेंगे कि इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो बस इतना ही हमें इसको भूनना है और इसको एक साइड पे रख लेंगे। और फिर उसके बाद एक पैन ले लेंगे और उसके लिए तैयार करेंगे हम शीरा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर चीनी ले ली है 1 कप। चीनी आप अपनी मर्जी से ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और पानी ले लिया है मैंने यहाँ पर 2 कप। शीरा बेसिकली वैसा मिठाइयों वाला शीरा नहीं बनाना है, बस हमें चीनी को इसको घोलना है, बस इतना ही। 3 से 4 मिनट बस चीनी को पका लेंगे, यानी कि शीरे को रेडी कर लेंगे। और फिर उसके बाद इसमें जो भुनी हुई सवैयाँ थी वो उसमें ऐड कर देंगे। सवैयाँ ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसमें अगर आपको पानी की ज़रूरत महसूस हो तो पानी आप इसमें 1/2 से 1 कप ऐड कर सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, 2 कप काफ़ी था। तो बस इसके बाद इसको मैंने लिड लगा कर रख दिया था बिल्कुल दम पे रखना है हमें इसको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाती है सवैयाँ, बिल्कुल देखिए इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा। तो फिर उसमें ऐड कर देंगे हम खोया। खोया मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप। आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी, आपको जितना अच्छा लगता हो। तो बस खोया ऐड करने के बाद अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट करके रखा था, फ्राई करके रखा था, बस उसको उसमें ऐड कर देंगे। और फिर उसके बाद इसको मिक्स कर देंगे। बस हमारी सवैयाँ बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं डिश आउट करने के लिए। मैंने इसमें कोकोनट भी ऐड किया था, मुझे अच्छा लगता है, तो 1 टेबल स्पून मैंने कोकोनट भी ऐड कर दिया था। अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस डिश आउट करने का वक्त आ चुका है, तो बस इसको डिश आउट करते हैं। शाही सवैयाँ हमारी मज़ेदार सी तैयार है। तो अगर आपको ईदी डबल लेनी है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। सवैयों के बगैर ईद अधूरी सी लगती है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वाली रेसिपी? और अब बढ़ते हैं अपनी अगली रेसिपी की तरफ, चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है और घर के ही बनाए हुए होममेड बिरयानी मसाले से ही बनेगी ये बिरयानी मज़ेदार सी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। चिकन ले ली है 1 किलो और मैंने इस तरह से जो टिक्का का एक पीस होता है उसमें इस तरह से कट लगा लिया है। और बाकी जो पीस है चिकन के उसको मैंने नॉर्मली जिस तरह कटे हुए होते हैं उसी तरह से कट कर लिया है। इसको मैंने रखा है ताकि वो टिक्का का जैसे लुक आता है उस तरह से इसका लुक आए बिरयानी का, देखने में अच्छा लगे। लेकिन अगर आप घर पर ही बना रहे हैं तो आप इसको भी बीच में से काट सकते हैं, दोनों को अलग कर सकते हैं। तो अब इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च है ये 1 टीस्पून। आप ये ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं इसमें अगर आपको स्पाइसी पसंद है। सोया सॉस ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून और ये वाइट विनेगर यानी सिरका है 1/2 टेबल स्पून। नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून और ये है होममेड बिरयानी मसाला, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये वही बिरयानी मसाला है, 1 टेबल स्पून होममेड बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है, घर के मसाले से ही बिरयानी बहुत टेस्टी बनती है, तो मैं तो इसी से ही बनाती हूँ। फूड कलर ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून या जितना आपको कलर चाहिए उतना। दही ऐड कर रही हूँ 1 कप। कलर इसलिए कहा है कि कलर कभी कभी कम आता है, तो आपको जितना अच्छा डार्क कलर चाहिए तो आप उतना कलर उसमें ऐड कर सकते हैं। और अब ये रेडी हो चुका है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख लिया है मैंने।
और अब यहाँ पर इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ पर एक फ्राई पैन ले लिया है और ऑयल डाल रही हूँ उसमें एक कप। ये देखिए चिकन टिक्का का इस तरह से पीस होता है, तो इसको मैंने इसी तरह से रखा है। जब तक इसके एक साइड पर बारबेक्यू जैसा कलर यानी टिक्का का जिस तरह से कलर होता है उस तरह से कलर ना आ जाए तब तक इसको नहीं पलटना है। तो देखिए अब हल्का इस पर कलर आ रहा है तो मैं इसको पलट दूंगी। बार बार नहीं पलटना है, कम कम पलटना है ताकि इसको गलने के लिए वक्त चाहिए। लेकिन मुझे इसको गलाना सिर्फ 80% है। वो जो छोटे पीसीज हैं उसको मुझे सिर्फ 80% गलाना है, लेकिन जो ये बड़े पीस हैं यानी टिक्का वाला जो पीस है इसको मुझे 100% गला लेना है इसी में, क्योंकि बड़ा पीस है हड्डी के साथ है तो उसको गलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो इसीलिए इसको 100% गला लेंगे। 40 से 45 मिनट में सारे रेडी हो चुके थे, इसी तरह से पका चुकी थी मैं इसको, गला चुकी थी। और अब यहाँ पर इसको स्मोक दे रही हूँ, तो कोयला रख लिया है और उस पर ऑयल डाल रही हूँ। इसको लिड लगा दूंगी ताकि इसमें अच्छा सा टिक्का का एक ज़बरदस्त सी बारबेक्यू की खुशबू भी आ जाए। तो अब यहाँ पर रेडी कर लेते हैं इसका मसाला। ऑयल ले लिया है 1 कप और अब उसमें ऐड कर रही हूँ 1 पत्ता तेज़पात का और 1 स्टिक दालचीनी की ऐड कर रही हूँ। साबित मसाले इसमें कम ही ऐड करना है। इलायची हरी वाली ऐड कर रही हूँ 3 से 4 और फिर इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं 3 अदद दरमियानी साइज़ के, पतले पतले से स्लाइसिस में इसको कट कर लिया था। और अब यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर ये भी होममेड है 1 टीस्पून, और यहाँ पर ऐड कर रही हूँ होममेड बिरयानी मसाला 4 टेबल स्पून। या फिर अगर आपको फ्लेवर और ज़्यादा चाहिए हो तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, दही जाएगी इसमें 1/2 कप, दही को फेंट लें और फिर उसमें ऐड कर दें। और ये बचा हुआ टिक्का का मसाला है तो ये भी हमें ज़ाया नहीं करना है बिल्कुल भी, ये इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको भूनना है हमें, टमाटर गल जाए इतना इसको भूनेंगे। और अब यहाँ पर प्याज ऐड कर रही हूँ, 5 प्याज ले लिए थे मैंने दरमियानी साइज़ के, उसको ब्राउन कर लिया था और हाथों से ही इसको क्रश करके इसमें ऐड कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर ही रखना है और 5 से 10 मिनट इसको पका लेंगे ताकि प्याज और टमाटर गल जाए। तो फिर उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। वैसे टिक्का बिरयानी जो है वो थोड़ी सी स्पाइसी ही मज़ेदार लगती है। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया और पुदीना 2 से 3 टेबल स्पून और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड कर रही हूँ मैं पहले छोटे वाले पीसेस, क्योंकि वो 80% गलाया हुआ है, मैंने कुक किया हुआ है तो अब पहले उसको ऐड करेंगे ताकि वो 100% कुक हो जाए और बाद में बड़े पीस ऐड करेंगे। तो अब इसमें ऐड कर रही हूँ पानी 1 कप। बिरयानी का कोरमा तैयार करते वक्त ये ख्याल रखना चाहिए कि कोरमा बहुत ज़्यादा खुश्क ना हो यानी भुना भुना ना हो, थोड़ा सा पानी उसमें होना चाहिए, इस तरह से इतना पानी इसमें होना चाहिए तो बिरयानी बहुत अच्छी बनती है, चावल में इसका टेस्ट आता है अच्छा सा। तो अब यहाँ पर देखें चिकन मैंने ऐड कर दी है, टिक्का ऊपर से सिर्फ रख दिया है और फिर लिड लगा कर रख दिया था मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 15 मिनट के लिए। तो बस ये रेडी हो चुका है टिक्का, मैं इसका अलग कर दूंगी। और अब यहाँ पर बिरयानी के लिए चावल रेडी कर लेते हैं। तो पानी ले लिया है बहुत सारा चावलों के हिसाब से और अब उसमें नमक ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून। पानी में उबाल आ जाए, एक बार लिड लगा दिया है इस वजह से पानी में देखिए इस तरह से उबाल आ चुका है। और तो अब मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ। 1 किलो राइस ले लिया था मैंने, 1 किलो चावल को मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद 1 घंटे पहले भिगो लिया था और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। भीगे हुए चावल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, इसलिए एहतियात से इसमें ऐड करना चाहिए, ज़्यादा भी स्टेयर नहीं करना चाहिए, इससे चावल टूट जाते हैं। तो अब देखिए चावल यहाँ पर गल चुके हैं तो मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। चावलों को कब स्ट्रेन करना है ये तो प्रैक्टिस करते करते ही आ जाता है। और अब यहाँ पर तय लगा लेते हैं। तो तय लगाने के लिए मैंने यहाँ पर कोरमे का ही ऑयल इसमें डाल दिया है थोड़ा सा और अब उसके ऊपर चावलों की तय लगा देंगे। 1 लेयर चावल की डाल दी है और अब यहाँ पर कोरमा ऐड कर रही हूँ, फिर उसके ऊपर फिर से चावल की लेयर 1 लगा दूंगी। चावलों की लेयर लगाना ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि नीचे कोरमा ऊपर चावल तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, जिस तरह से आपको ईजी लगता है उसी तरह से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब यहाँ पर जो बची हुई प्याज थोड़ी सी थी ब्राउन वो ऐड कर दी है मैंने और फूड कलर ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून और इसमें पानी ऐड कर लिया है 2 टेबल स्पून। इसको मिक्स करके ऐड कर दूंगी इसमें
और अब मैं इसमें एक वुडन स्पून की मदद से बीच में होल कर दूंगी, जो मैं हमेशा करती हूँ और हमेशा ही बिरयानी की वीडियो में मैं ये दिखाती भी हूँ और बताती भी हूँ कि इससे स्टीम अच्छी तरह से आ जाती है। और इसके ऊपर मैं ऑयल डाल रही हूँ 1/3 कप। ये प्याज जो ब्राउन की थी उसी का बचा हुआ ऑयल था, वही मैंने इसमें ऐड किया है। और अब लिड लगाकर इसको रख दिया है हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए। जब इसमें इस तरह से स्टीम आ जाएगी तो फिर फ्लेम को कर देना है लो, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें रखना है इसको 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में अच्छी तरह से चावलों में दम आ जाता है, चावल भी गल जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा माशाल्लाह इसका कलर आया है। और जो इसकी खुशबू थी, टिक्का बिरयानी की खुशबू, आप सोच सकते हैं कितनी मज़ेदार इसकी खुशबू होगी, क्योंकि इसमें कोयले का स्मोक भी लगा है, तो उसकी वजह से इतनी शानदार इसकी खुशबू आती थी, बिल्कुल बारबेक्यू जैसी। और बिरयानी की तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू होती ही है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है, बहुत डिफरेंट इसका टेस्ट होता है टिक्का बिरयानी का। तो इस तरह से मैंने जो वो टिक्का 100% कुक किया था उसको इस तरह से ऊपर रखने के लिए ही किया था। तो अब देखें कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, कितना अच्छा प्यारा सा इसका कलर आया है, बिल्कुल बारबेक्यू जैसा इसका कलर लग रहा है। तो अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें, इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। फिर मिलूंगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह, तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।